वेलकम टू पॉलिटी सीरीज ऑफ स्टडी आई क्यू आम अमित वरीद लक्ष्मीकांत की सीरीज में आज हम लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 47, 48 और 49 करेंगे दिस इज लेक्चर ऑफ दिस सीरीज 47, 48 और फोर्टी नाइन द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स एंड द नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट ये तीन अलग अलग कमीशन है एस सी और ओ की प्रोटेक्शन के लिए उनके राइट्स के लिए इन तीनों के तीनों के जो काम है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है हमारी आप बुक में देखेंगे तो दे देआर सिंगल पेज एक एक पेज इस हर एक कमीशन के ऊपर दिया गया है एग्जाम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम यहां पर सिर्फ उन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो न्यूएस प्रीलिम्स या फिर किसी एमसीक्यू एग्जाम्स में पूछा जा सकता है इनका जो एनालिसिस है वो मेन्स में भी

बॉडी एक तो स्पेशल ऑफिसर फॉर दी से रिलेटेड होता है दूसरा अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल और कैग ये दोनों हैं जो कि थोड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम के परस्पेक्टिव से भी इसमें जो इंफॉर्मेशन होगी वो आज आपको पता चल जाएगी चलिए देखिए टू समराइज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नेशनल कमीशन फॉर एससी और नेशनल कमीशन ऑफ एसटी अलग से नहीं होते थे इंडीड एक ही था स्पेशल ऑफिसर ऑफ एससी एंड एसटी सो देयर वाज वन बॉडी स्पेशल ऑफिसर ऑफ एससी एंड एसटी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्ट में थे बाद में इसको कर कर एक अलग से नेशनल कमीशन ऑफ एस बना दिया गया एक अलग से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स बना दिया गया बात ध्यान रखेंगे जो हुई थी थी ये अमेंडमेंट के द्वारा की गई थी। तो पहले स्टार्टिंग में वेन वी गो टू द फर्स्ट हमारा 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है तो एक ही आर्टिकल है आर्टिकल नंबर थ्री हंड्रेड इज ओनली वन आर्टिकल उस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि एक स्पेशल ऑफिसर ऑफ एस एंड एस कंबाइंड हुआ करता था बीच में प्रोग्रेस करने पे इसको स्पेशल ऑफिसर का नाम बदल के नेशनल कमीशन ऑफ एससी एंड एसटी कर दिया गया था यानी एक कमीशन होता था जो कि एससी और एसटी दोनों के दोनों के बारे में उनके प्रोटेक्शन उनके रिपोर्ट करता था उनके काम उनके लिए काम करता था फाइनली 2003 में एक नई अमेंडमेंट की गई एटी नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट उस एटी नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट से नेशनल कमीशन ऑफ एस को अलग कर दिया गया नेशनल कमीशन को और एस को अलग कर दिया गया ये देखते हुए कि दोनों की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं दोनों के सोशली और जो सिचुएशन है वो कंप्लीटली अलग है तो इसलिए एक अलग कमीशन की जरूरत है एक तो ये बात होगी बस सिमिलर सर दूसरा एक जो याद करने वाली बात है जिसको थोड़ा एग्जाम के परस्पेक्टिव से भी याद कीजिए कि एंग्लो इंडियन के लिए कोई सेपरेट कमीशन नहीं है परंतु जो शेड्यूल कास्ट वाला कमीशन होता है नेशनल कमीशन फॉर जो शेड्यूल कास्ट है वही एंग्लो इंडियन के राइट्स और प्रोटेक्शन के लिए भी काम करता है ठीक है यही कमीशन नेशनल कमीशन फॉर सुप्रीम और शेड्यूल कास्ट यही कमीशन ओबीसी के राइट्स के लिए भी काम किया करता था 2018 तक 2018 में एक नया अमेंडमेंट एक्ट ऐड किया 102 और उसके बाद नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट को भी अलग से नया बना दिया गया ठीक है सो देर आर थ्री कमीशन इन आवर कंट्री नेशनल कमीशन ऑफ एस नेशनल कमीशन ऑफ एस नेशनल कमीशन ऑफ बी

आगे प्रोग्रेस के लिए डेवलपमेंटल के लिए काम करता है एस के लिए करता है एक बीसी के लिए करता है सो so, दोनों की दोनों सेम चीज है आइए देखते हैं स्टार्ट करते हैं नेशनल कमीशन फॉर एस पहले याद रखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीन कमीशन है ठीक है नेशनल कमीशन ऑफ एस नेशनल कमीशन ऑफ एस नेशनल कमीशन ऑफ बी ये तीनों की तीनों है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ये बात ध्यान होगी सबसे पहले जैसे कि एक एग्जाम्पल के नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये

18 में बनाए लेकिन अब वो कॉन्स्टिट्यूशन है 2018 से पहले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था लेकिन अब वो नेशनल कमीशन ऑफ ओबीसी कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके एक आर्टिकल उसके अंदर ऐड किया गया है ठीक है ये आर्टिकल भी आप यहां पे याद रखिए शेड्यूल कास्ट का थ्री है शेड्यूल ट्राइब का थ्री ए है और बैकवर्ड कास्ट का थ्री बी है ठीक है लाइन से तो ये तीनों के तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं हेंस थ्री आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इन कंपैरिजन टू कहीं कंफ्यूजन में आए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन माइनॉरिटीज ह्यूमन राइट कमीशन या चाइल्ड राइट दे वर बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इसका मतलब यह कि वो हो गए स्टेट्यूटरी एक बड़ा प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे आपको बॉडीज दे दी जाएंगी आपसे पूछा जाएगा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल है कौन सा स्टेटुटरी है कुछ कुछ भी बोला जा सकता है कुछ भी पूछा जा सकता है तो आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका सिर्फ तीन कमीशन है भाई जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है बाकी कोई भी आए कई बार लगता है कि विमेन वाला हो या माइनॉरिटीज वाला हो इट स्पॉन्टेनियसली सोचने में कॉन्स्टिट्यूशनल है, कि है, वो है। अब अब इट इज नॉट ठीक है 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 वो चलिए स्पेसिफिकली देखो यहां से एक बार हिस्ट्री है, हमारे लिए जानने जरूरी नहीं बट समझने के लिए आर्टिकल 338 था स्टार्टिंग में हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है इसमें बनाया गया था कि एक स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब होना चाहिए ठीक है स्पेशल ऑफिसर ऑफ एंड पहला 1950s में अगर आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन खोलते तो आर्टिकल 338 पे जाते तो आर्टिकल जाते ये दिखता और इसको काम दिया गया था टू टू इन्वेस्टिगेट ऑल रिलेटेड उसके जो रिपोर्ट थी प्रेजिडेंट को दे देनी थी सरल बात है से कुछ समय के बाद

नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो कि आर्टिकल 338 में है और फिर एक नया और आर्टिकल ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो कि अंडर आर्टिकल नंबर 338 है तो 2003 में ये अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस की गई थी 2004 में फाइनली दो अलग अलग नेशनल कमीशन बने हैं एक एस का बन गया एक एस का बन गया अच्छा सबका सेम सिस्टम है एक चेयरपर्सन है एक वाइस चेयरपर्सन है और तीन दूसरे मेंबर होते हैं नेशनल कमीशन ऑफ एस चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन तीन दूसरे मेंबर नेशनल कमीशन ऑफ एस टी चेयरमैन वाइस चेयरमैन और तीन दूसरे मेंबर ठीक है दे आर अपॉइंटेड बाई प्रेजिडेंट देर कंडीशन एंड सर्विसेज आर ऑल्सो डिटर्मिंड बाई प्रेजिडेंट अपलाइज टू ऑल थ्री कमीशन ठीक है आने वाली स्लाइड्स में यही चीज रिपीट होती रहेगी तो हमें कोई ज्यादा उसमें कंफ्यूज uh, होने की जरूरत नहीं है सेम टू सेम चीज है ठीक है दिस इज एग्जैक्टली द सेम विच अप्लाइज टू ऑलमोस्ट ईच एनर नेशनल कमीशन ऑफ एस सी एस टी एंड बी सी ये तीनों के तीनों के लिए सेम चीज अप्लाई होती है ये वाला सेंटेंस नहीं ये वाला सेंटेंस तो सिर्फ और सिर्फ एस और एस के लिए होता है ठीक है फंक्शन अब यहां से याद रखियेगी यही जो फंक्शन है वो आने वाले सब पे जैसे कि भाई जो हमारा नेशनल कमीशन ऑफ एस है दे विल इन्वेस्टिगेट मॉनिटर ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफ गार्ड टू एस सी एंड इवेल्युएटर वर्किंग शेड्यूल कास्ट से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कुछ प्रोविजन है इन इस कमीशन का काम होता है कि उन्हीं प्रोविजंस को इवेल्यूएट करना कि क्या वो काम कर रहे हैं एंड आर दोफ गार्ड वर्किंग इन फेवर ऑफ द शेड्यूल कास्ट अगेन द सेम अप्लाइज टू दिस दी सेम अपलाइज टू दी ओबीसी ठीक है तो ये अब हम समझ गए हैं कि बेसिकली सेम टू सेम चीज आने वाली है सारी की सारी स्लाइड कॉमन है सबकी ठीक है टू इंक्वायर इंटू स्पेसिफिक कंप्लेन्ट्स विद रिस्पेक्ट टू डेप्रीवेशन ऑफ राइट्स एंड सेफ गार्ड्स तो अगर शेड्यूल कास्ट की राइट्स को किसी प्रकार से डिप्राइव किया जाता है चाहे इंडिविजुअल की तरफ से चाहे स्टेट की तरफ से तो कोई भी शेड्यूल कास्ट का जो आदमी होता है वो बेसिकलीगेट कर तो करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एस सी एंड टू इवेल्युएट दियर डिवलपमेंट अंडर दूनियन ऑफ द स्टेट टू प्रेजेंट टू द प्रेजिडेंट एनुअली एंड अगर जरूरत पड़ती है तो किसी और टाइम पे रिपोर्ट अपॉन वर्किंग ऑफ दी सेफ गार्ड्स तो एक रिपोर्ट जाती है नेशनल कमीशन ऑफ एससी की प्रेजिडेंट को रिपोर्ट जाती है जिस रिपोर्ट के अंदर इस बारे में डिस्कशन होता है कि एससी की सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से रिलेटेड अब ये जो चीजें हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके मेन्स के परस्पेक्टिव इज यू एवर थिंग्स इन द ठीक है ये सिर्फ समझने के लिए कि क्या कर रहे हैं वट इज दर्पज ऑफ दीज कमीशन क्यों हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी हुई है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल uh, कास्ट बना हुआ है तो कर क्या रहा है वो राइट वट इज द पॉइंट ऑफ इट द पॉइंट ऑफ इट इज दैट कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड्स हैं क्या वो उनके फायदे के लिए काम कर रहे हैं उनके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्लानिंग कैसे करनी है अगर कोई कंप्लेन है शेड्यूल कास्ट की उसके अंदर इंक्वायर करना प्रेजिडेंट तक ये बात पहुंचाना एनुअल रिपोर्ट्स के द्वारा और ज़रूरत पड़ती है तो बेसिकली पहले भी पहुंचा देना दीज आर बेसिकली फंक्शंस ऑफ दी ने उसके बाद दे कम प्रोवाइड एन एनुअल रिपोर्ट और जरूरत पड़ती है तो किसी भी समय में और ये जितनी भी रिपोर्ट आती है प्रेसिडेंट के पास ये सारी की सारी पार्लियामेंट के सामने रखी जाती है

यही फंक्शन हमारे एस टी के हैं एस टी के कॉन्टेक्स में नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब के जब फंक्शन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब आएगा सेम फंक्शन इन द कॉन्टेक्स ऑफ एस टी एंड द सेम फंक्शन इन द कॉन्टेक्स ऑफ द बैकवर्ड कास्ट ठीक है बिल्कुल सेम टू सेम होगा कोई नई बात नहीं है उसके बाद पावर्स नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब इज वेस्टेड विद सर्टन पावर्स ठीक है थोड़ा सा पावर्स right. होती है सबसे पहले वाइल्ड इन्वेस्टिगेटिंग एनी मैटर और इंक्वायरिंग इन टू एनी कंप्लेट दे हैव द पावर ऑफ एट ट्राइंग याद रखिए जुडिशियल बॉडी हो जाती है जब कोई शेड्यूल क्राइब की शेड्यूल कास्ट की कोई कंप्लेन इन्वेस्टिगेट कर रही होती है ठीक है सो इट बिकम्स ए सिविल कोर्ट वुड बी ट्रीटेड एज ए सिविल कोर्ट सिविल कोर्ट ट्रीट करने का क्या मतलब होता है कि बेसिकली किसी को समन कर सकती है कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है तो किसी से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो ऐसे तो कोई रैंडमली नहीं मांग सकता है तो रैंडमली ना मांगने के कारण इनको पावर दी गई है कि यू विल एक्ट एज अ सिविल कोर्ट व्हेन इंक्वायरिंग इनटू अ कंप्लेंट

आई एस हो गया या फिर कोई इंडिविजुअल हो गया प्राइवेट इंडिविजुअल हो गया उनको समन भेज के समन का मतलब यह है कि एक लीगल डॉक्यूमेंट की आपको प्रेजेंट होना अगर आप प्रेजेंट नहीं हो तो आपके ऊपर ऑफ कोर्ट लग जाएगा केसेस हो जाएंगे आपके ऊपर तो आपको बुलाया जा सकता है कहीं से भी पूरे के पूरे इंडिया में ठीक है दूसरा रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट राइट एक कोई भी डॉक्यूमेंट अगर इन्होंने मांगा तो वो आपको ढूंढ के उनको देना ही पड़ेगा रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट्स रिक्विजिशनिंग एनी पब्लिक record फ्रॉम एनी कोर्ट और एनी ऑफिस मतलब इफ यू थिंक अबाउट इट इट्स अ ह्यूज पावर बेसिकली इट बिकम्स अ कोर्ट और ये बेसिकली अगर कोई कंप्लेंट्स है एस सी की अगेंस्ट एस सी की कोई कम्प्लेट है शेड्यूल कास्ट की सो टू इंक्वायर टू रीच द रिजल्ट टू गेट टू द जस्टिस ये बेसिकली काफ़ी सारी इनके पास एक ओवर आर्किंग पावर है कि भाई कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए किसी को भी समन करना है किसी को भी एविडेंस चाहिए दे कैन गेट ऑल ऑफ इट

कमीशन का नाम है हमारे पास थोड़ा सा हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था कि भाई स्टार्टिंग में कमीशन नहीं कहा करते थे स्टार्टिंग में स्पेशल ऑफिसर का करते थे एट्टी नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद बाइफर्केट कर दिया गया उसके बाद फंक्शंस ऑफ एन सी एस सी एंड दी पावर ऑफ दी एनसीएससी ठीक है नेशनल कमीशन ऑफ एस सी की पावर्स आने वाले अब सेम चीज दोनों पर अप्लाई है उसी में भी हम एनसी शेड्यूल ट्राइब का जो बैकग्राउंड है वो तो सेम एनसीएससी वाला ही हुआ, वो तो सेम सेम टू हुआ फिर वील अंडरस्टैंड कि उनकी पावर्स क्या है सॉरी फंक्शंस क्या है एंड देन विल अंडरस्टैंड कि उनके पावर्स क्या है विच इज टेक्निकली सिमिलर टू दैट ठीक है तो मतलब आज का हमारा जो है वो काफी रिपीटेटिव लेक्चर है एंड देर इज नथिंग टू बी कन्फ्यूज अबाउट एक ही बारी में तीन एक ही लेक्चर में तीन बार रिविजन हो जाएगा सेम चीज का दिस इज इट अब स्पेसिफिकली यहां पे बस नई बात यहां पर है कि व्हेन इट कम्स टू नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट दे आल्सो डिस्चार्ज द सेम फंक्शन परटेनिंग टू द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एज इट डज विद रिस्पेक्ट टू दी स्पेशल है मतलब इसका कोई खास लॉजिक नहीं है बट किसी एक को देना था तो एस को दे दिया ये एस को भी दे सकते थे एस को मिल गया बस इतना याद रखना है दर इज नो लॉजिक ऑफ इट ठीक है तो जो फंक्शन एस के कॉन्टेक्स में है, तो एस के बारे में क्या क्या करना है इन्वेस्टिगेट करना है लीगल सेफ गार्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड्स कोई और बात है रिपोर्ट देनी है कोई अगर उनकी कंप्लेंट है उसके अगेंस्ट इंक्वायर करना है कंप्लेंट इंक्वायर करते वक्त तो उनके पास सिविल कोर्ट्स की पावर है देखन सम अन एविडेंस दे कैन गेट एनीबडी प्रेजेंट कर सकते हैं विटनेस को एग्जामिन कर सकते हैं वैन इट कम्स टू द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी दे कैन डू द सेम थिंग्स एनसीएससी यही पूछा जा सकता है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का कमीशन कौन है एन है ठीक है

2000 बैकवर्ड कास्ट के लिए जैसे आज हम कर ही रहे हैं जो हमारी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो रिसेंटली ही बनी है 2018 में हंड्रेड एंड सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट बना गया और जो ये ओबीसी का पार्ट था ये वहां से हटा दिया गया राइट right? तो जस्ट बींग स्लाइटली रिपीटेटिव बट रिपीटेटिव इज रिविजन बेसिकली हमारा एक स्पेशल ऑफिसर हुआ करता था ऑफ एस एंड एस इसी चीज को बीच में कमिश्नर कहने लग गए ऑफ एससी एंड एसटी फिर यही चीज नेशनल कमीशन बन गई ऑफ एससी एंड एसटी और उसके बाद इसी चीज को बाइफरकेट कर, कर बना दिया नेशनल कमीशन ऑफ एससी एंड नेशनल कमीशन ऑफ एसटी राइट ये वाली बात है यहां पर एटी अमेंडमेंट एक्ट में चल रहा है सब कुछ हैपनिंग इन टू थाउजेंड थ्री टू टू थाउजेंड फोर अब यह नेशनल कमीशन ऑफ एस सी इसको और बाइफर्केट कर दिया नेशनल कमीशन ऑफ बी सी इन टू थाउजेंड एटीन दैट इज दी होल पॉइंट ऑफ इट इससे ज्यादा कोई और कॉम्प्लेक्स इश्यू नहीं है हमारा आ जाते हैं हम नेशनल कमीशन फॉर एस टी ऑनेस्ट हम इसको एक बार पूरे का पूरे कर चुके। क्यों? पहले लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों क्योंकि इट इज डायरेक्टली स्टैब्लिश बाई आर्टिकल नंबर थ्री हंड्रेड थर्टी एट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ये बात ध्यान रखेंगे हम थ्री हंड्रेड थर्टी एट ए अब कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं था तो अब इसको बॉडी ही माना जाएगा ठीक है पहले भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही थी क्योंकि एससी के साथ थी थीट करके नए आर्टिकल में आ कमीशन है वो है उनके पास पावर काफी अच्छी अच्छी है लेकिन दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ पार्लियामेंट ठीक इशू क्या हुआ कि आफ्टर इंडिपेंडेंस कई बार एहसास हुआ कि जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं और जो शेड्यूल कास्ट है ना दे आर जोग्राफिकली एंड कल्चरली सोशियोलॉजिकली उन दोनों की जो डिमांड्स हैं उन दोनों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो थोड़ी सी अलग अलग है इसी वजह से एक मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बनाई गई 1999 में ठीक है उन्नीस में एक नई मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बनाई गई थी ताकि एसटीज की वेलफेयर और डेवलपमेंट पे अलग से फोकस किया जा सके ठीक है तभी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बन चुकी थी तो ये सोचने की भी तो काफी ऑब्वियस बात थी कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बना हुआ है फोकस करने के लिए तो ट्राइबल अफेयर्स से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है वो वहीं से कोऑर्डिनेट होने चाहिए सेंट्रल मिनिस्ट्री से हेंस इट वुड नॉट बी एडमिनिस्ट्रेटिवली फिजिबल फॉर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट टू परफॉर्म दिस रोल कहने का क्या मतलब हुआ कि हमारे जो शेड्यूल कास्ट की जो वेलफेयर और डेवलपमेंट है वो देखा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से तो जब नेशनल कमीशन ऑफ एस सी एंड एस टी हुआ करता था तो दोनों जब बॉडीज कंबाइंड थी तो वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट राइट फाइनली नई मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स 1999 में बन चुकी थी देन इट फिगर कि ट्राइबल अफेयर्स जो है एक ही सेंट्रल मिनिस्ट्री पर जाए ना मतलब इट सीम्स इलॉजिकल कि ट्राइबल अफेयर्स की एक एक मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री है लेकिन उसका मेजर पार्ट uh, कोई दूसरी मिनिस्ट्री है हैंडल कर रही है तो हेंस इट वॉज रियलाइज शेड्यूल ट्राइब्स के जो इंटरेस्ट हैं अगर उनको सेफ करना है उसके लिए एक सेपरेट कमीशन बनाया जाए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स बाय बाइफरकेटिंग दी नेशनल कमीशन फॉर एस सी एन एस टी उसको बाइफरकेट किया गया सिमिलरली एटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया नया आर्टिकल ऐड किया गया थ्री हंड्रेड थर्टी एट और हमने बना दिया एनसीएसटी एनसीएसटी दो हजार चार में बना जैसे हमारा एससी वाला है एक चेयरपर्सन होता है एक वाइस चेयरपर्सन होता है तीन मेंबर होते हैं प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं सर्विसेज की क्वालिफिकेशंस की कोई भी जो कंडीशन है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कोई समस्या नहीं है कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टेन आर ऑल्सो डिटर्मिन बाई द दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि हमारे इलेक्शन कमीशन को या फिर कैग को होती है वैसी इस प्रकार की वैसी इंडिपेंडेंस अवेलेबल नहीं है यहाँ पे प्रेजिडेंट का एग्जीक्यूटिव का जो रोल है वो थोड़ा ज्यादा है ठीक है फंक्शंस देखो पैरल है जैसे एस के थे ना वही स्लाइड है ये बट इन्वेस्टिगेट मॉनिटर ऑल मैटर्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लीगल सेफ गार्ड्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब तो जो भी शेड्यूल ट्राइब को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेफ गार्ड्स दिए गए हैं उनको मॉनिटर करना उनको एनालाइज करना आर दे वर्किंग इन देअ फेवर उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं अगर कोई कंप्लेंट आती है शेड्यूल ट्राइब्स की तो उस शेड्यूल ट्राइब की कंप्लेंट के अंदर इंक्वायर करना उनके अगेंस्ट काम करना टू पार्टिसिपेट एंड एडवाइस ऑन द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल ट्राइब की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा कैसे दिया जाए उसके अंदर ये कमीशन जो होते हैं काम करते हैं एंड जरूरत पड़ने पर टू प्रेजेंट टू द प्रेजिडेंट रिपोर्ट एनुअली रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं बट अगेन दैट्स नॉट अ ऑब्लिगेशन ऑफ एनुअल वो बेसिकली किसी भी समय किसी भी प्रकार की रिपोर्ट अगर प्रेजिडेंट मांगे और अगर इनको खुद भी देनी हो तो ये दे सकते हैं सो मोर इंपॉर्टेंटली दे मेक एक रेकमेंडेशन वट measures शुड बी टेकन by यूनियन और स्टेट फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन भाई हमारे जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनकी प्रोटेक्शन उनकी वेलफेयर और उनके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए स्टेट और सेंटर को क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए वो कौन बताता है वो बताता है हमारा नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब इसकी रिपोर्ट प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सामने हर साल सामने रखते हैं और अगर कोई रिकमेंडेशन नहीं मानी जाए तो वो एक्सप्लेन भी करते हैं कि दिस इज द रीजन वाई वी डिड नॉट टेक दी वाइट ऑफ सिंपल बात है एंड एज यू विल सी वी आर जस्ट रिपीटिंग आवर सेल्फ इनकी जो पावर्स है वो सेम है जैसे कि प्रेजिडेंट स्पेसिफाइड अच्छा एक एक पॉइंट रहेगा यहां पे 2005 में एस

रिले टू एस टी आर रिलेटेड टू देशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब बट क्योंकि शेड्यूल ट्राइब और एससीज कल्चरली और जोग्राफिकली थोड़े थोड़े अलग है तो शेड्यूल ट्राइब जो कमीशन है उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर है क्या क्या पहले वाली शेड्यूल ट्राइब का जो कमीशन होता है जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनकी ओनरशिप शेड्यूल ट्राइब को कैसे दी जाए इस बारे में मेजर्स लेता है दूसरा दे ऑल्सो टेक मेजर्स टू सेफ गार्ड ट्राइबल राइट ओवर मिनरल रिसोर्सिज एंड वाटर रिसोर्स ऑफ द फॉरेस्ट ट्राइबल्स वो होते हैं ना जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं जनरली तो उनके ट्रेडिशनल uh, राइट्स होते हैं मिनरल वेल्थ पर वाटर रिसोर्स पर तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए विद इन द रेम ऑफ द लॉ टू दो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब डिसाइड करता है मेजर्स टू बी टेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एंड वर्क फॉर मोर वायबल लाइवलीहुड स्ट्रेटेजी ट्राइबल्स के साथ असली ओरिजिनल इशू क्या है कि मॉडर्न लाइवलीहुड स्ट्रेटेजीज डेवलप करना राइट एट सेवरल लेवल्स प्रिमिटिव राइट एट दिस मोमेंट उनका एग्रीकल्चर सिस्टम जो है प्रिमिटिव है उनके जो एजुकेशन uh, सिस्टम जो है वो भी थोड़ा प्रिमिटिव है तो उसको मॉडर्न लाइवलीहुड सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है दो स्टेप्स आर डिसाइडेड आर रिकमेंडेड बाई द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स मेजर्स टू बी टेकन टू इम्प्रूव एफिकेसी ऑफ रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन मेजर्स फॉर ट्राइबल ग्रुप्स डिप्प्लेस बाई द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कई बार बड़ा डैम बन रहा है कोई अब बड़ा डैम बनता है तो कई सारे लोगों की डिस्प्लेसमेंट हो जाती है विच आयरोनिकली आर यूजली रिलेटेड टू एस सी और एस टी तो जो एस टी लोग हैं जो जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं जिनको डिस्प्लेस किया जाता है किसी बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से तो उनके रिहेबिलिटेशन के लिए जो मेजर्स लिए जाते हैं उनका ध्यान रखता है नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब टू प्रिवेंट एलियनेशन ऑफ ट्राइबल पीपल फ्रॉम लैंड एंड इफेक्टिवली रिहेबिलिटेट जहाँ पर यह ज़्यादा हो चुका है सेम से कोई भी बेसिकली ट्राइबल से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इश्यूज़ हैं जहाँ पर दो स्पेसिफिकली एक्स्ट्रा इश्यूज़ हैं ट्राइबल से रिलेटेड एक तो स्पेसिफिकली हमारे उनके लाइवलीहुड से एसोसिएटेड है उनके फॉरेस्ट राइट से एसोसिएटेड है उनकी मॉडर्नाइजेशन से एसोसिएट्स है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के वजह से अगर उनमें से किसी को रिहेबिलिटेट किया उनके जो ऐसे जो ये जो इशूज स्पेसिफिकली एस के एस के नहीं हैं उनकी जो फंक्शन uh, है वो फंक्शन दैट फंक्शन हैज बीन गिवन टू द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब दो इट इज ऑब्वियस, बट वी शुड आल्सो अंडरस्टैंड कि कौन कौन से हैं एंड मेजर्स टू बी टेकन टू इंश्योर फुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्ट टू देशा राइट right? ये तो हमें अच्छी तरह से याद है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ग्राम पंचायत को ऐड किया गया था सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लेकिन जो ये सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिसने कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट किया है कि सारे के सारे गांवों में पंचायत के इलेक्शन होने ज़रूरी है हर पाँच साल में दिस डजेंट अप्लाई टू सर्टन शेड्यूल एरियाज जो हे ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज़ है तो वहां ट्राइबल एरियाज के अंदर ग्राम पंचायत या ग्रास रूट डेमोक्रेसी पहुंचाने के लिए एक नया कानून बनाया गया विच इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल विच इज पार्लियामेंट ने बनाया क्या नाम है उसका स्टैचो ऑफ पंचायत यानी कि जो द ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज यानी कि जो पांचवे शेड्यूल में दिए हुए है, पीसा एक्ट इसको कहते हैं पेसा एक्ट इसको कहते है, तो हैं तो ये उन्नीस छियानवे तो इसकी इंप्लीमेंटेशन करने का दामोदार दिया गया है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स को सिमिलरली लाइक एन सी एस सी यहां पर हमारा एन सी एस टी के पास वही पावर्स हैं जो कि हमारे बिल्कुल डिटो कॉमन हमारे पास एन सी एस सी के पास थी राइट right? तो वो शड्यूल ट्राइब की कोई कंप्लेट आई तो वो सिविल कोड बन जाता है ऑलमोस्ट दैट कमीशन सिमिलरली शेड्यूल ट्राइब्स की वो शेड्यूल कास्ट की कोई कंप्लेन आती है तो वो पावर बन जाता है यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब की जो कंप्लेन आती है सो दिस बिकम्स ए फ्लेजेड सिविल कोर्ट ट्राइंग ए समन कर सकते, हैं, कर सकते हैं किसी की भी अटेंडेंस किसी को आई एस हो आई पी एस आदमी मंत्री हो नॉर्मल आदमी इंडिविजुअल हो किसी को बुला सकते हैं सकते हैं डिस्कवरी प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एविडेंस ले सकते हैं पब्लिक रिकॉर्ड को भी बुला सकते हैं विटनेस को एग्जामिन डॉक्यूमेंट्स को, को एग्जामिन कर सकते हैं और प्रेजिडेंट अगर कोई और एक्स्ट्रा चीज बता दे तो उसके बारे में भी डिस्कस किया जा सकता है एनसीएसटी के द्वारा दैट इज इट

बैकवर्ड कास्ट की अंडर इंक्लूजन नॉन इंक्लूजन के बारे में एग्जामिन करेगी कोई भी कंप्लेंट को ठीक है उसके लिए एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनाया गया था 1993 के अंदर ठीक है एक अलग से नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बट स्टैटूटोरी दिस इज ए स्टेटूटरी बॉडी अभी उन्नीस में बना हुआ है बट ये स्टेटूटरी बॉडी है ठीक है टर दंड्रेड एंड सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 अभी 2018 में दो तीन साल पहले ही इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया एक नया आर्टिकल ऐड करके 338 बी इन दी कॉन्स्टिट्यूशन सो नाउ दिस कमीशन सीज्ड टू बी स्टेटरी बॉडी एंड फाइनली हैज बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो तीन कमीशन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है ये जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट था यह नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के अंदर ही आता था

इन्वेस्टिगेट करना है मॉनिटर करना है जो भी बैकवर्ड कास्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफ प्रोवाइड किए गए हैं किन के है। लिए फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और इवेल्युएट करना है कि क्या संविधान हमारी जो बैकवर्ड क्लासेस है हमारे देश की उनके लिए काम कर रहा है जो प्रोविजंस हैं आर दे प्रोटेक्टिंग देम आर दे वर्किंग इन देयर फेवर इज दे इज आर दे हेल्पिंग इन देयर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसके बाद कोई भी स्पेसिफिक कंप्लेन अगर मिलती है बीसी बैकवर्ड कास्ट से संबंधित उनके राइट्स को डिप्राइव करने के लिए या फिर उनके उनके किसी और के अगेंस्ट में में तो उनके बीच इंक्वायर करता है हमारा नेशनल कमीशन बैकवर्ड कास्ट कोई भी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे अगर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई बात होती है तो गवर्नमेंट किसके पास जाती है इसी कमीशन के पास जाती है प्रेसिडेंट को ये रिपोर्ट एनुअली प्रेजेंट करता है अपॉन द वर्किंग ऑफ द सेफ उसके बाद ये रिकमेंडेशन भी देता है यूनियन को और स्टेट को जो भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ में प्रोविजन है प्रोग्रेस के लिए ओ के लिए बी के लिए उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए नए आइडिया सजेस्ट करता है हाउ कैन वी मेक देम सोशली प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं उनको आगे कैसे लाया जा सकता है जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है उनका प्रोटेक्शन कैसे हो वेलफेयर हो ठीक है एंड जरूरत पड़ने पर टू डिस्चार्ज एनी सच फंक्शन जो कि प्रेजिडेंट बता सकता है

लेकिन सब एनफोर्स जो कि हम सेम चीजें हम एक दो बार रिपीट कर चुके हैं यानी कि आज के हमारे आर्टिकल में हमें क्या देखना आज के हमारे आर्टिकल में हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन याद आज के हमारे लेक्चर में हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन याद करने की जरूरत तो नहीं है एनसीएससी है एनसीएसटी है एनसीबीसी है पहले तो एक तो आर्टिकल आराम से याद कर लो थ्री 338 है थ्री ए है और थ्री बी है More or less, इनकी सबकी सेम 2004 में बने थे, ये 2018 में बना है। And this एक हल्का सा एंग्लो इंडियन एंग्लो इंडियंस के राइट्स जो है अभी भी सेम काम हमारा एनसीएससी करता है जो कहीं नाम आता नहीं है तो इसलिए भूल जा, भूलना जरा आसान है बियॉन्ड दैट हैव द सेम फंक्शन हैव द सेम सेम कंपोजिशन एक प्रेसिडेंट एक वाइस प्रेसिडेंट एक एक चेयरमैन एक वाइस चेयरमैन और उसके बाद तीन मेंबर सबके सब सेम है शिड्यूल्ड ट्राइब्स जो है क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीटली अलग है तो इनको कुछ फॉरेस्ट ओनरशिप से एसोसिएटेड कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस दिए गए हैं दो सबके अलग अलग हैं और भी अलग लोग हैं सबके तो जैसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस से रिलेटेड एंड पेसा से रिलेटेड पेसा के इंप्लीमेंटेशन से नॉट दैट एनीथिंग इज डिफरेंट वो सिर्फ ये कि जो एस टीज के इशू एस टी देखे एस सी के ओबीसी बी ऑन दैट एंड दर इज नथिंग मस टू इट तीनों के तीनों सिविल कोर्ट की पावर रखते हैं वेन एवर दे आर इंक्वायरिंग इन टू एनी कंप्लेन इन टू देअर रिस्पेक्टिव डोमेन बस इतना सा सरल सा इशू है सो इन द नेक्स्ट लेक्चर इन दिक्कसटी वन वी विल डू स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉटीज और उसके बाद हमारा एक कैग बचेगा और एक अटॉर्नी जनरल जो है वो स्पेसिफिकली ना कैग एंड अटॉर्नी जनरल दे आर इंपॉर्टेंट ठीक है ले, ये लिंग्विस्टिक लिंग्स्टिक माइनॉरिटी के लिए ऑफिसर होता है याद करने के लिए चाहिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स uh, में नहीं आता है कैग और अटॉर्नी जनरल इस पर क्वेश्चन भी आते हैं दे आर इंपॉर्टेंट ऑल्सो पॉलिटिकली स्पीकिंग ऑल्सो उसके बारे में फोकस करेंगे विल स्टार्ट इन द लेक्चर नंबर 61. वन बट एम अब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो देर इज नथिंग मच लेफ्ट ओके हम करेंगे जैसे ही हमारी ये जो नॉर्मल फॉर्मेलिटीज है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज खत्म हो जाएंगी वी विल डू इन द लास्ट ट्वेंटी फाइव क्लासेस टू थर्टी क्लासेज ऑफ विल प्रैक्टिस प्रैक्टिसमसी क्यूज तो आपको करने का बड़ा मौका मिलेगा बट यू डोंट यू शैल नॉट वेट एग्जाम्स आर कमिंग यू शैल स्टार्ट इमीजिएटली अब इस समय आपके पास ऑलमोस्ट पचास चैप्टर uh, uh, जो है लक्ष्मीकांत के खत्म हो चुके हैं आपके सामने सो so, अब इस समय समय हो चुका है आप जितने भी प्रैक्टिस कर सकते हैं एम सी यू एल सी यून द लेक्चर नंबर फिफ्थ, सिक्सटी वन डिस्कसिंग स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एवरी नाइस डे